Yeah.
फाउल हो चुका है, फाउल करार दिया गया है, अंपायर ने फाउल दिया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए आगे पर कुछ नजर से कोशिश की पास है लेकिन नहीं दे पाए और आज ग्रीन मैनेजर से चार और फिर से ले लिया आज पर कुछ कुछ कोशिश बॉल को लेकिन नहीं कामयाब कर पाए। गोल की आर्मी ग्रीन वैली की और यहाँ क्रॉस दिया था लेकिन अभी और यहाँ आर्मी पब्लिक स्कूल जी नहीं गोल नहीं कर पाए। आर्मी पब्लिक स्कूल तीन चांसेस बने लेकिन नहीं कर पाए गोल।
बेहतरीन चांस के साथ यहां पर स्कूल गोल को करता है। तीसरी बार कॉर्नर किक ले रहे, इस बार फरार नहीं ले रहे, इस बार नंबर 10 जो दामिल ले रहे हैं, ये पास बराबर दे पाएंगे कि नहीं? यहाँ मार की हवा में उछाल दिए लेकिन नहीं क्लियर कर दिए। एक और बार ट्राई लेने की कोशिश लेकिन नाकामयाब, और ये बेहतरीन मौका बना हुआ है बढ़ता हुआ है। फिलहाल तो स्कोर 0-0 है। अब आगे देखते हैं कोशिश के यहाँ पर थोड़ा मैच पास अच्छे से दे पा रहे हैं। आप देखिए आगे फिर से एक और बार एक और ट्राई देख सकते हैं, आगे बस उसको देखते हैं क्रॉस दे पाएंगे कि नहीं। गलत वहां तक पहुंच के कुछ हो जाता है, आगे बस स्कूल की टीम को क्रॉस नहीं दे पाते बराबर। और
बराबर नहीं दे पाया इंटरसेप्शन हो चुका है आर्मी पब्लिक स्कूल की तरफ से आर्मी पब्लिक स्कूल पासिंग अच्छी चल रही है लेकिन एंड में कुछ छड़बड़ी सी हो जाती है और गोल नहीं कर पाते हैं पांच छह बार चांसेस मिले आर्मी पब्लिक स्कूल को लेकिन नहीं गोल नहीं कर पाए और एक बिल्कुल वैसे चांस जो हमेशा बनते देखते इस बार थोड़ा अलग से ट्राई किया है नहीं इस बार एक और बार दो शॉट मारे लेकिन नहीं हो पाया फिर से एक और बार आर्मी पब्लिक स्कूल नाकामयाब यहाँ एक और बार आर्मी पब्लिक स्कूल आगे बढ़ती हुई लेकिन नहीं बेहतरीन डिफेंडिंग ग्रीन वैली के प्ले के और यहाँ पर मैं आप अपने साथी को ये माइक देना चाहूँगा ग्रीन वाली थ्रोइंग करेंगे और ग्रीन वाली ने थ्रोइंग किया ग्रीन वाली आपको बढ़ते हुए लास्ट स्ट्रॉन्ग पास और एक टैकल हाफ टाइम होने में कुछ ही समय बाकी है और अभी तक कोई गोल नहीं हुआ है यहाँ एक और ट्राई احسان سر کس حال چال کسی افسر سوئی آرمی پبلک اسکول کے لیے ایک اور کارنر ملتا ہوا دیکھتے ہیں چوتھا کارنر ہے آرمی پبلک اسکول کا دیکھتے ہیں اس بار کر پائیں گے اور کارنر کی تھوڑی لو کارنر بھی تھی لیکن نے کلیئر کی اچھی کلیئر کی ہے ویلڈ پلیئر ہے اور یہ آؤٹ آف باؤنڈز سیدھے بال باہر کرتی ہے انہوں نے اپنی फेवर में तो बहुत थी लेकिन लेट्स सी व्हाट ग्रीन वैली विल डू दे आर इन चार्ज नाउ लेट्स सी और नाइस स्किल नाइस टैकल फ्रॉम दिस गाय आरबी पब्लिक स्कूल और यहाँ आगे बढ़ रही आरबी पब्लिक स्कूल दूर से ही ट्राई करने की कोशिश गोलकीपर के हाथों में गोल कीपर किसको पास दे ये यहाँ पर मिडफील्डर को पास لال دین تھا بہت سے امامت کر رہا ہے کرے جا کر رہا ہے
कोई भी एक ही गोल करने का मौका नहीं है।
काफी ज्यादा डिफेंड किया जा रहा है दो टीम की जान से और कोई भी चीज गोल का तरीका नहीं है सपोर्ट से जो है आगे पास खेला है लेकिन आरजी पब्लिक स्कूल ने फिर से ग्रीन वैली के हाथ ग्रीन वैली के पास बॉल आरजी पब्लिक स्कूल ने बेहतरीन टैकल किया और यहां थ्रो इन होगा ग्रीन वैली के लिए और इस बॉल आरजी पब्लिक स्कूल के पास है बॉल लाइन के बाहर जा रही है ball is back to Green Valley खत्म हो गई सब उठाओ आपने सच कहा है दूर से ही कोशिश की जा रही है क्योंकि प्रेशर ऐसा आ चुका है कि जब भी बॉल को पैर पे ये आ जाता है तो कोशिश करते हैं कि गोल हो जाए आगे पहले आगे जाने की कोशिश के लिए नहीं हो पाया गोल अब देखते हैं दूर से कर पाएंगे कि नहीं और अगर अगर कर दिया तो वो बेहतरीन गोल बना जाएगा इस टूर्नामेंट के लिए अब फिर से आगे मसूद आगे बढ़ी देखते बार गोल करता है नहीं फिर से स्टेप पर जाना पड़ा नहीं को पता चला कि आज ये पहला दिन है चिनार कप्तान का सबसे पहला मैच खेला गया सेंट्रल स्कूल सुपर दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से खेला गया दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर में हाई मार्जिन में 6-0 से जीत गया और दूसरा मैच भी एजुकेशन स्कूल वाली एजुकेशन स्कूल द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल के खेला जा रहा है खेला जा रहा है अभी तक पहला हाफ होता है जैसे हाफ अभी तक कोई गोल हासिल नहीं किया काफी ज्यादा जल्दी हो गई किसी का गोल हो गया लेकिन टीम ने खेल लिया था यहाँ पर आगे बढ़ते हुए भी आगे बढ़ रहे हैं थोड़े भी कर रहे हैं भी करने से आगे
लेकिन ऑफ साइड, एक और चांस बनता था लेकिन नहीं हो पाया। फिर से पीछे 0-0 मार दिया। ये गेम और ही रोमांचक बनता जा रहा है। नाइस पास, ओपन वाली गोल की तरफ बढ़ते हुए मुक्ता का चांस, लेकिन बॉल कहाँ से? लेकिन नहीं कन्वर्ट कर पाया। आप देखते हैं आगे एक और बार फिर से शिन मैन के पास बॉल है। देखते हैं इस बार क्या करेंगे। इंटरसेप्शन हो चुकी है यहाँ से आरबी पप्पू स्कूल की तरफ से, लेकिन बॉल बाहर जा चुकी है लाइन से। और यहाँ थ्रो इन मिलेगा ग्रीन वैली को। ग्रीन वैली फिर से एक और बार बॉल आगे बढ़ते हुए, देखते हैं क्या क्या पाएंगे। और यहाँ ट्रिपल किया है, दो प्लेयरों को काट के पास लाया नंबर फोर जोशी को। और यहाँ ए बेहतर की पास, लेकिन फिर से इंटरप्शन फिर से एक और बार। अब देखिए थ्रो इन है, थ्रो इन लेगा आरबी पब्लिक स्कूल। इस मैच में उतना मजा नहीं रहा है क्योंकि थ्रो इन हो नहीं रहे। और यहाँ एक बार आगे बढ़ते हुए फिर से बॉल लॉस हो गई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। फिलहाल तो उसको 0-0 हो गया। इस बार तीसरी बार ऑफसाइड ग्रीन वैली। एक तो गोल जा चुका ही था लेकिन वो ऑफसाइड, दूसरी बार भी ऑफसाइड, अब तीसरी बार तीन ऑफसाइड हो चुके हैं ग्रीन वैली के लिए। वो थोड़ी निराशा निराशा वाली बात है। पीटी के लिए तो निशानों के पास पीटी के लिए है, लेकिन सीधा
Thank you.
Line pe.
काफी जगह हो रही है दोनों टीम के मैदान जहां ग्रीन वैली गोल करने पर तमिलनाडु रोड पर आला पब्लिक स्कूल के पीछे चली गई दोनों साइड से जबरदस्त डिफेंड हो रहा है और अब तक कोई भी टीम गोल करने की कामयाब नहीं है बिल्कुल आगे बढ़ रहा कोशिश की रही है कि गोल हो जाए और हम ये मैच अच्छे नाम कर पाए लेकिन अभी तक नहीं और
Thank you.
पास हो रहा है लेकिन कांदा बहुत अच्छी सतह से चले और आपको बताना चाहूंगा।